तो बच्चों ये बताओ, आपने जो योगा किया या मेडिटेशन किया, आप सबको कैसा फील हो रहा है? हमको बहुत अच्छा फील होता है। मेडिटेशन पूरा रिलैक्स करता है बॉडी को और बहुत रिलैक्सेशन मिलती है हमने बॉडी को, और ये बहुत अच्छा। आपको अच्छा फील हो रहा है? आप बताइए। बहुत ही अच्छा लगा, और स्पेशली मेडिटेशन में बहुत ही रिलैक्स लगा, माइंड पूरा कंसंट्रेट हुआ, और मेडिटेशन करने से एक पूरा माइंड कंसंट्रेट हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। और सोनालिका कैसा फील हुआ बेटा? जब आप आंखें बंद, इंटरेस्ट लेना है, जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट लेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 100%। चलिए, नाइस। आज हम योगासन की शुरुआत स्वस्तिक आसन से करते हैं। इसमें आपको सीधे होके स्ट्रेट बैठ जाना है, अपनी हाथों को मुद्राओं में रखते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, और फोकस योर माइंड, इससे आपका माइंड शार्प होगा। अपनी आंखों को बंद कर ले, नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हुए आप महसूस करिए कि आपके अंदर क्या सवाल उठ रहे हैं, आपके चारों तरफ कैसी साउंड आ रही है। हर चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा माइंड उससे शार्प होता है, और हम अपने पढ़ाई पे भी फोकस कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हुए धीरे धीरे अपने आंखें खोले, हाथों को रब करके अपने फिल्स पर लगा ले। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपको अपने थंब फिंगर से अपने कान को क्लोज करना है, इंडेक्स फिंगर को ब्रेन पे, और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से अपने आईज को हल्का प्रेस करके बंद करना है, और ओम का जाप करते हुए मुंह के साउंड में आपको आ जाना है। भ्रामरी प्राणायाम से आपके चिंता, आपके क्रोध पे आपका कंट्रोल होगा। बच्चे बहुत चंचल होते हैं, उनके लिए, उनको थोड़ा धैर्य स्थिर बनाने के लिए यह प्राणायाम बहुत ही ज्यादा कारगर है। यह आपके ब्रेन को भी बहुत डेवलप करता है। रब योर हैंड एंड पुट योर फेस। नाइस, वेरी गुड। चाइल्ड पोज में आपको वज्रासन में बैठ जाना है। लंबी गहरी सांस लेके धीरे से नीचे की ओर आपको आना है, और कुछ समय तक सांस को होल्ड करके इसी पोजीशन में रहना है, फिर पहली अवस्था में आ जाना है। नेक्स्ट है डॉग पोजीशन। इसमें आपको अपने हाथों के पाम और घुटने के सहारे डॉग पोजीशन में आ जाना है। धीरे से एक लंबी सांस भर के फेस को ऊपर की ओर कर ले, और कुछ समय तक होल्ड करें। आपको नेक पे और कमर पे हल्का सा स्ट्रेच फील होगा, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा, पाचन में भी मदद करेगा, और हाथ पैरों की टोनिंग भी बहुत अच्छी होगी। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है इसके। इसे लगातार करें, फिर सांस छोड़ते हुए पोजीशन पे आ जाए। नेक्स्ट करेंगे हम धनुरासन। यह आसन पाचन अंगों के लिए बहुत ही अच्छा है। नियमित अभ्यास से जांग और पेट के जो फैट है वो धीरे धीरे बर्न होने लगते हैं। तंत्रिका तंत्र में तनाव उत्पन्न होता है। सबसे पहले राइट हैंड से राइट लेग, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ ले, पोजीशन बना ले, फिर धीरे से एक लंबी सांस भरते हुए अपने बॉडी को आपको पुश करना है। पहले आप देख ले कि आपने अपने बॉडी को अच्छे से पुश किया है कि नहीं, क्योंकि इसमें बैलेंस बहुत जरूरी है। इस तरह से सांस रोक के रखे कुछ समय तक। जब आपने अपना सांस होल्ड कर लिया, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पोजीशन पे आ जाए। नेक्स्ट है बटरफ्लाई पोज, जिसे कहा जाता है आपका भद्रासन। यह बहुत ही ज्यादा यूजफुल है बड़ों और बच्चों के लिए। यह ध्यान में बैठने के लिए बहुत उपयोगी आसन है। एकाग्रता बढ़ाता है, पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करता है, प्रजनन शक्ति को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत सारे बेनिफिट्स है इस पोजीशन के। आपको अपने दोनों पैरों के टोस को पकड़ के बीच में लेके आना है, और पैरों से बटरफ्लाई की तरह कुछ समय तक मूव करना है, और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। चलो, तो मतलब कुल मिला के बच्चों ने तो योगा एंजॉय किया,
आप भी योगा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत अच्छा। हमें तो भी बहुत मजा आया, आप भी योगा करते हैं अपने घर पे एवरी डे एवरी टाइम कभी बस आपका पेट होना चाहिए खाली। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।